दोस्तों जब भी कभी मार्वल की मूवीज पर्दे पर आती है तो उनके दर्शकों के लिए वो पल किसी त्योहार से कम नहीं होता। और ऐसा ही जश्न हाल ही में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए देखने को मिला, जहां मार्वल्स की दुनिया के तमाम महामानव के बीच लोकप्रिय डॉक्टर स्ट्रेंज इस बार मल्टी यूनिवर्स पर अपना जलवा बिखेरते हुए वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच से लोहा लेंगे, जो कि अपने बच्चों के लिए दूसरी दुनिया पर राज करना चाहती है। तो कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज दुनिया को दोबारा बचाएंगे, आइए जानते हैं इस मूवी में। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों बात तो मार्वल मूवीज की हो रही है तो यकीनन मामला किसी शहर या फिर किसी देश का तो नहीं होगा, बल्कि यहाँ तो बवाल पूरे ब्रह्मांड का होगा। वेल एज एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह मूवी की शुरुआत भी किसी दूसरे यूनिवर्स से होती है, जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज द बुक ऑफ विशांति को चुराने आए थे। एक ऐसी अद्भुत किताब जो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकती है। इसमें ऐसे मंत्र थे जिसके आगे बड़े से बड़ा शैतान भी घुटने टेक दे। डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका भी वांडा को हराने के लिए इसी किताब का सहारा लेने आए थे, मगर बदकिस्मती से उनके पीछे एक शक्तिशाली राक्षस लग जाता है और डिफेंडर स्ट्रेंज उस अजीबोगरीब राक्षस को मारने के लिए अमेरिका चावेज की बलि देने को तैयार हो जाता है। मगर तभी वो शैतान डिफेंडर स्ट्रेंज को मौत के घाट उतार देता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज का ये सपना टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, मशहूर न्यूरोसर्जन और मास्टर ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को दरअसल एक बेहद स्ट्रेंज सपना आया था। वह आंखें खुलते ही डॉक्टर साहब अपनी दुनिया में दिखाई देते हैं, जहां जिनकी माशुका क्रिस्टीन की शादी हो रही होती है मगर किसी और के साथ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज दिल पर पत्थर रखकर एक मीठी मुस्कान के साथ अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जा पहुंचते हैं, जहां पर अमेरिका चावेज का पीछा करते करते एक एलियन मॉन्स्टर वहां आ जाता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों अमेरिका चावेज एक नाबालिग लड़की है जिसके पास ऐसी दमदार पावर है कि वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की आवागमन का दरवाजा खोल सकती है, मगर हमारे बाल हनुमान जी की तरह उसे भी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है। वेल अपनी प्रेमिका की शादी में ऑलरेडी झुल्लाए हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए गुस्सा निकालने का इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलने वाला था। बस फिर क्या था, वो निकल पड़े इस मॉन्स्टर की ऐसी कम तैसी करने। अमेरिका चावेज को बचाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज उस मास्टर से लड़ने लगते हैं और सॉर्सरर सुप्रीम वॉन्ग की मदद से वो उसे मार गिराते हैं। अब एक रेस्टोरेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका चावेज की असलियत का पता चलता है कि आखिर वो कितनी शक्तिशाली है, और उन्हें ये भी पता चलता है कि जो सपना उन्होंने रात में देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि दूसरे डायमेंशन में हुई एक सच्ची घटना थी। जिसके बाद अमेरिका चावेज डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी पड़ी होती है और इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी देख और डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ आ जाता है कि एक काम चाओज मैजिक का है जिसे सिर्फ और सिर्फ वांडा ही अंजाम दे सकती है। डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी को अपनी छत पर दफना देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से इस बारे में बात करने के लिए हरे भरे फूलों के बगीचे में चले जाते हैं, जहां वांडा से मदद मांगने वो आए थे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि एक वांडा ही है जो आने वाली तबाही रोक सकती है। मगर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा वांडा खुद को स्कारलेट विच में बदलकर डॉक्टर स्ट्रेंज से अमेरिका चावेज को लाने की बात करती है। वांडा का जादू इतना तगड़ा था कि पूरा का पूरा माहौल हरे भरे वातावरण से आके अंगारे में बदल गया। इसके बाद स्कारलेट डॉक्टर स्ट्रेंज को बड़े ही प्यार भरे अंदाज में धमकी देते हुए अमेरिका चावेज की मांग करती है, क्योंकि अमेरिका की अद्भुत शक्ति के चलते संपूर्ण ब्रह्मांड पर नजर रखी जा सकती थी या फिर एक तरह से कब्जा किया जा सकता है। इसलिए स्कारलेट उसे मारकर उसकी शक्तियों से अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती है। डॉक्टर स्ट्रेंज जान चुके थे कि वांडा अब वो वांडा नहीं रही बल्कि एक खूंखार शैतान बन चुकी है जिसे डार्क होल्ड से बेजोड़ शक्तियां मिल रही हैं। बहरहाल अमेरिका चावेज का सौदा ना करके डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से अपने टेंपल में आ जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग और अपने सभी साथियों के साथ स्कारलेट से मोर्चा लेने को तैयार हो जाती है, और तभी स्कारलेट वहाँ अटैक कर देती है, या फिर यूं कहें साहब वो सबको मसल कर रख देती है। वो लोगों को वैसे ही धूल में झोंक कर राख कर दे रही थी जैसे कि हमने थानोस को करते देखा था। सब कुछ खत्म करके जब स्कारलेट विच अमेरिका चावेज को मारने लगती है तभी डर के कारण अमेरिका चावेज से शक्ति आ जाती है और वो एक नया पोर्टल ओपन करके वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। अमेरिका के पीछे पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो ना चाहकर भी ना जाने कितने दुनिया से होते हुए गुजरते हैं एकदम रॉकेट की तरह। दोस्तों दरअसल अमेरिका चावेज को अपनी पावर पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं होता और वो घबराहट में एक के बाद एक लगातार पोर्टल ओपन करती जा रही थी और दोनों अनगिनत डायमेंशन में ट्रेवल करते जा रहे थे। ऐसा ही करते करते दोनों जहाँ पहुँचते हैं एक हरे भरे अर्थ की तरह जो कि हमारे पृथ्वी का ही एक डायमेंशन था और इसका नाम था अर्थ 838। अब ये दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज का ठिकाना पता करते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज तो कब का चल बसे हैं जिनकी मौत थानोस से लड़ते वक्त हुई थी। मगर दोस्तों ये असली सच्चाई नहीं होती, इसका असली सच आपको कुछ ही मिनटों में देखने को मिलेगा। बस ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों यहीं पर उन्हें कार्ल मोर्डो मिलता है जो दुनिया का सॉर्सरर सुप्रीम होता है। वो भी ये समझ आ जाता है कि ये लोग दूसरे डायमेंशन से आए थे। वेल अपनी बातों में बहलाकर कार्ल धोखे से डॉक्टर स्ट्रेंज को गिरफ्तार कर लेता है और इल्यूमिनाटी के सामने पेश करता है।
यहाँ पर हमें इस सभा में अर्थ 838 की कैप्टन मार्वल, कैप्टन कॉर्टल, प्रोफेसर चार्ल्स सेवियर और फैंटास्टिक फोर के अलावा तमाम जोड़ीदार देखने को मिलते हैं। ये सभी डॉक्टर स्ट्रेंज की बातें सुनकर अपने आप को स्वर्ग शक्तिमान मानते हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंस से स्कारलेट को रोकने की बात करते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इस डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्होंने ही मारा था, क्योंकि वो स्कारलेट की तरह ही डार्क होल्ड की संगत में आकर शैतान बन गया था, जिसे मारना उनके लिए जरूरी हो गया था। इसी दौरान अर्थ 616 के डायमेंशन में बैठी वांडा का अलग अलग डायमेंशन की वांडा से संपर्क करते समय कनेक्शन अर्थ 838 के वांडा से जा बैठता है, जहां पर वर्तमान में डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका मौजूद होते हैं। वांडा अर्थ 838 डायमेंशन वाली वांडा के शरीर पे कब्जा कर ही रही होती है, तभी वहां सॉर्सरर सुप्रीम वॉन्ग और उनके साथी आकर डार्क होल्ड बुक को नष्ट करके वांडा का ये सपना चकनाचूर कर देते हैं और उसका कनेक्शन बाबा आजम के जमाने के टेलीफोन लाइन की तरह कट जाता है। गुस्से में आग बबूला वांडा वॉन्ग के सभी साथियों को बड़ी ही बेरहमी से मारती है और वॉन्ग को उनकी जान बख्शने के बदले ये डार्क होल्ड के मंदिर ले जाने को बोलती है, जिससे मजबूरी में वॉन्ग को मानना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, वंडर वर्ल्ड के पहाड़ों के बीच बना ये मंत्रों का मंदिर हजारों लाखों साल पुराने डार्क होल्ड के स्क्रिप्चर से लेस है, जहां पर बैठकर वांडा दोबारा दूसरे दुनिया से कनेक्ट कर सकती है और वॉन्ग की मदद से वो वहां पहुंच भी जाती है। जब वॉन्ग द्वारा फैलाया सारा रायता समेटे हुए वांडा अर्थ 838 डायमेंशन के वांडा के शरीर पर कब्जा करके उसी सभा में खलनायक के स्टाइल में पहुंच जाती है। देखते ही देखते वांडा सारे इल्यूमिनाटी को हाथी की तरह रोनते हुए अमेरिका चावेस की तरफ आगे बढ़ती है और सारा मंजर मानो जैसे किसी कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा था। काश अगर सारे इल्यूमिनाटी अपना अहंकार किनारे रखकर डॉक्टर स्ट्रेंज की सुन लेते तो नजारा आज कुछ और ही होता, मगर प्रस्ताव से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। वेल दोस्तों, इधर अर्थ 838 की क्रिस्टीन की मदद से अमेरिका चावेस इल्यूमिनाटी की कैद से बाहर आ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी खुद को छुड़ाने में सफल हो जाते हैं। अब ये तीनों मिलकर बुक ऑफ डार्क होल्ड को ढूंढने के लिए आते हैं और पहुंच जाते हैं उसी जगह जहां पर हमें शुरुआत में डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी मिली थी। वेल इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों किताब लगती, वांडा वहां पहुंचकर किताब को जलाकर खाक कर देती है और अमेरिका चावेस को दोबारा अर्थ 616 पर असली स्कारलेट के पास भेजकर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को दूसरे डायमेंशन के ब्लैक अर्थ पर पटक देती है। यानी कि दोस्तों, अकेली अर्थ 838 की स्कारलेट ने इन सब महारथियों के ना सिर्फ छक्के छुड़ा दिए बल्कि कुंभ के मेले की तरह एक दूसरे से अलग भी कर दिया। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज जिस ब्लैक अर्थ पर गए थे, वहां की सूरत और सीरत दोनों ही देखने लायक थी, क्योंकि दोस्तों इस डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज तो देवदास बने हुए थे और अपनी महबूबा क्रिस्टीन के लिए सब कुछ तबाह इन्होंने कर दिया था। फिर यूं कहे स्ट्रेंज का प्यार सलमान खान जैसा हो गया था, जो बेचारे किसी भी डायमेंशन में क्रिस्टीन को नहीं पा पा रहे थे। यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात सिनिस्टर स्ट्रेंज से होती है, जो कि बेहद शक्तिशाली था और उसके पास डार्क होल्ड भी थी, क्योंकि ये भाई साहब भी वांडा की तरह डार्क होल्ड की मदद से दूसरे डायमेंशन पर अपनी मोहब्बत क्रिस्टीन को ढूंढ रहे थे, जहां पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हो। लेकिन इनको पता नहीं था कि सबके सब डॉक्टर स्ट्रेंज की किस्मत इनके जैसी थी। वेल सिनिस्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज से क्रिस्टीन के बदले में डार्क होल्ड का सौदा करने को कहता है, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको खत्म करके डार्क होल्ड को लेना ज्यादा बेहतर समझते हैं, ऐसा कर भी देते हैं। अब बिना समय गवाए डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 के गोस्ट स्ट्रेंज को अपने कब्जे में लेकर दोबारा जिंदा करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी छत पर दफनाया था, और उसकी मदद से स्कारलेट पर हमला कर देते हैं। गोस्ट स्ट्रेंज की भूतिया सेना देखकर ऐसा लगता है कि यहां लड़ाई वर्ल्ड वॉर जैसी होगी, मगर दोस्तों स्कारलेट की ताकत के सामने गोस्ट स्ट्रेंज की हालत वर्तमान की यूक्रेन जैसी हो जाती है। थक हार के गोस्ट स्ट्रेंज अमेरिका चावेस के पास जाकर उसे उसकी शक्तियों को याद दिलाता है, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों जैसे जामवंत ने महाबली वजनबली को उनकी ताकत का एहसास करवाया था। बस फिर क्या था, चल पड़ी अमेरिका चावेस स्कारलेट को सबक सिखाने और वो अपनी कमाल की शक्तियों के बदौलत स्कारलेट को अर्थ 838 वाले वांडा के बच्चों को मिलवाती है, जो उस इविल स्कारलेट को देखकर अपनी माँ वांडा की ओर भागते हैं। लेकिन स्कारलेट उस डायमेंशन की वांडा यानी कि उनकी माँ को मारकर बच्चों के पास दोबारा जाकर उनको समझाने की कोशिश करती है, खुद को उनकी माँ बताती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, आकर अपनी माँ वांडा को मारने वाली औरत की गोद में वो कैसे बैठ जाए। यहीं पर इविल स्कारलेट को अपनी भूल समझ आ जाती है कि आखिर उसने बच्चों को पाने के लिए कितने लोगों को बे औलाद कर दिया, लेकिन फिर भी वो उनके लिए नहीं हो पाए। इसके बाद स्कारलेट अपनी भूल सुधारने के लिए डार्क होल्ड के मंदिर के साथ साथ सारे डायमेंशन के डार्क होल्ड को नष्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ डार्क अर्थ के डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा एक फिल्मी डायलॉग मारते हुए क्रिस्टीन को हर डायमेंशन में प्यार करने की बात लपेट कर दोबारा अपने यूनिवर्स में हैप्पीली लौट जाते हैं। फाइनल क्लिप में डॉक्टर स्ट्रेंज की देखरेख में अपनी पावर को कंट्रोल करने की जादूगिरी सीख रही थी अमेरिका। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तीसरी आंख आ चुकी थी, यानी कि आप अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी जाने अनजाने में डार्क होल का यूज किया था। वेल आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ डोरमामू की भांजी किया को देखा जाता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से डायमेंशंस को आपस में टकराने से ये बचाना चाहती थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से ब्रह्मांड को बचाने के अपने काम में उसके साथ निकल पड़ते हैं। वेल दोस्तों, ये मूवी भी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर अमेरिका चावेस पहले ही अपनी शक्तियों से वांडा को वो डायमेंशन दिखा देती जहां पर उसे उसके बच्चे पसंद तो दूर तुरंत देखना भी पसंद नहीं करते थे, तो शायद आज आपके पीवीआर के टिकट के पैसे बच जाते और काफी समय भी। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।